हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेनजर क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ पीएससी की डेट आ चुकी है आपके सामने 27 नवंबर 2020 को 9:43 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सारी जानकारी आज मैं सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने किस प्रकार से क्या अपडेट दी, कितनी पोस्टें हैं आपको, कितनी फीस आपको लगेगी और किस किस चीज को कितना आरक्षण मिला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं आप। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 14 दिसंबर 2020 से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, याद रखिये 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। कितनी फीस आपको पे करनी है, तो फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 रुपए आपको पे करनी है जनरल वालों के लिए और अदर स्टेट के बच्चे भी आपको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी ओबीसी वालों को 300 रुपए है, वो भी आपको पेमेंट जो है तो ऑनलाइन कैश में करनी पड़ेगी या बैंकिंग या फिर कियोस्क के माध्यम से, ठीक है। करेक्शन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी, करेक्शन आप अगर करना चाहते हैं तो 18 जनवरी तक करेक्शन कर पाएंगे। एग्जाम की जो संभावित डेट है यहाँ पे 14 फरवरी बताई जा रही है, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में जल्दी बताई जाएगी जानकारी। और एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/1/2020 है, यानी आपकी जो एज लिमिट की बात है यहाँ पर तो 1/1/2020 रखी गई है। मिनिमम एज जो चाहिए यहाँ पर तो 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लीकेबल माना जाएगा। बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट आई है, तो इसमें 143 पोस्ट है कुल, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों पर अलग अलग है। तो बात कर लेते हैं जनरल में कितनी सीट आरक्षित की गई, तो जनरल के लिए 58 है, याद रखिए जनरल के लिए 58 है। वहीं ओबीसी में 18 सीटें हैं और एससी की बात करें तो 17 सीटें हैं और एसटी में कुल मिला के 50 सीटें हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 143 सीटें हैं। अभी तो संभावित सीटें ये बताई गई हैं, अभी जानकारी मिल रही है गुप्त सूत्रों से, ये सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं, तो आपके लिए एक बम्फर ऑफर हो सकता है। चलिए जान लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या है यहाँ पर, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसमें क्या क्या है। तो स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर सीटें हैं, फिर स्टेट पुलिस सर्विस में है, स्टेट फाइनेंस में है, फर्टिलाइजर ऑफिसर चाहिए, स्टेट टैक्स असिस्टेंट चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर चाहिए और इसी तरह से चीफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर चाहिए और छत्तीसगढ़ सबऑर्डिनेट अकाउंटेंट ऑफिसर चाहिए, नायब तहसीलदार और एक्साइज सब इंस्पेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, कॉरपोरेटिव इंस्पेक्टर और असिस्टेंट जेल इंस्पेक्टर, इस तरह की सारी पोस्टें कुल मिला के आपको 143 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि इन वैकेंसियों को बढ़ाया भी जा सकता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें अगर यहाँ पर, एलिजिबिलिटी में आपको बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगी और रजिस्टर्ड हो अपने इंडिया के जो भी यूनिवर्सिटी हैं, तो यूनिवर्सिटी चाहिए आपको इंडिया के, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको मैं बता दूं। आपको अप्लाई कब करना है, तो अप्लाई के लिए आपको 14 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा और इसकी जो लास्ट डेट है तो याद रखिएगा 12 जनवरी है। जो टोटल आपको पेमेंट करनी है जनरल के लिए 400 रुपए, अदर कास्ट के लिए यहाँ पर 300 रुपए अप्लीकेबल बताया गया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, तो अप्लाई के लिए आपको यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। लिंक एक्टिवेट कब कर दी जाएगी, तो लिंक यहाँ पर जल्दी अपडेट कर दी जाएगी एक्टिवेट, तो आप यहाँ पर 14 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप पूरी जानकारी यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है तो मैं इस पर आपको वीडियो बता दूंगा किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लगातार हम एमपी से लेकर एमपी यूपी दिल्ली की जो भी गवर्नमेंट अपडेट आ रहे हैं जॉब के लिए, तो सबसे पहले लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।